टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की मेडिकल एड कमेटी की 8 टीमें, जिसमें एडमिन एंड अकाउंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, आईटी, लैब और दीगर टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के दौरान अब्बासी शहीद अस्पताल के एमएस नदीम राजपूत ने मेट्रो वन से बात करते हुए बताया, नो डाउट कि इस वक्त हम बहुत ही टायरिंग पोजिशन में काम कर रहे हैं एज फार एज द ह्यूमन रिसोर्सेज कंसर्न और हमारी सप्लाईज, और डेफिनेट कि हमारे पास जो आते हैं सारे दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से ही लोग अपने मामलात में मशगूल होते हैं, तो थोड़ा सा उससे निकल के इस रिक्रिएशन के मामला माहौल में आए हैं, तो एक अच्छा हमारे अमले के लिए भी, तमाम लोगों के लिए भी अच्छा मौका है। मैच का फॉर्मेट 5 ओवर्स पर मुश्तमिल था, जो डॉक्टर्स की टीम ने फाइनल मैच में पैरामेडिकल स्टाफ को बा आसानी शिकस्त देकर शोहदा हक टेप बॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। तकरीब में चेयरमैन जिला वस्ती रेहान हाशमी ने जीतने वाली टीमों में इनाम तकसीम किए। कैमरामैन नईम निजामी के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे।